والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. मैं सबसे पहले हजरत मौलाना मसीहुल बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ अहले बलूचिस्तान की तरफ से. वो गुज़िश्ता कई सालों से हमें कुरान की तालीम और फ़हम कुरान के हवाले से अपने खिदमात हमें फराहम कर रहे हैं. अल्लाह पाक हजरत मौलाना साहब के इल्म उम्र में बरकत अता फरमाए. और जॉब के हमारे मदारान हजरत मौलाना अब्दुल नासिर साहब उनकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत के साथ हर साल कोशिश करते हैं इस मजलिस का महफिल कुरान का इनेकाद करते हैं. मैं पूरी टीम का भी जॉब का उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ. अल्लाह पाक उनके मुश्किलात भी दूर फरमा दे. और आप सबका योग के दीन से मोहब्बत करने वाले कुरान से मोहब्बत करने वाले अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले मेरे भाई मेरी बहनें जो आप फजर नमाज के बाद आते हैं तो आपका ये जज्बा अल्लाह पाक कबूल फरमा दे. और आपके मुश्किलात आज बलूचिस्तान बदअमनी का शिकार है और खुसूसन आपका योग और आपके पूरे इलाके आज बदअमनी का शिकार है. अल्लाह पाक मुझे आपको अमन नसीब फरमा दे. आपके हमारे जान माल इज्जत और आबरू अल्लाह पाक महफूज फरमा दे. इस महफिल कुरान में आज आप दुआ करें. मैं सिर्फ दुआ के लिए आया हूँ. और बाकी 7 दिन हजरत मौलाना साहब ने जो हमें तालीमात कुरान की रोशनी में दी है और आज मैं और आप अज़म करें कि कुरान के बगैर आज हुक्मरान परेशान है. मैं खुद मेंबर हूँ. अब जब बैठते हैं कि अमन कैसे होगा गुरबत का खात्मा कैसे होगा महंगाई कैसे खत्म होगा तो जरा कुरान खोल दें तो कुरान में तमाम मसाइल का हल मौजूद है कि अमन कैसे अल्लाह पाक अमन कैसे देगा खुशहाली कैसे देगा. अल्लाह पाक ने कुरान ज़ाब्ता आयात एक जिंदगी का निज़ाम अल्लाह पाक ने दिया है इसमें तमाम मसाइल का हल मौजूद है. हमारे लिए भी हुक्मरानों के लिए भी आपके लिए भी आप कमजोर के लिए ताकतवर के लिए सबके लिए कुरान खोल दें कुरान को असेंबली में पेश कर दें कुरान का मुताला कर दें कुरान की तिलावत करें कुरान को समझें. इंशाअल्लाह कुरान में अल्लाह पाक ने तालीमात दी है जो अमन दे सकते हैं खुशहाली दे सकते हैं. हमारा घर भी खुशहाल होंगे हमारे मोहल्ले गलियां भी खुशहाल होगी हमारा मुल्क भी खुशहाल होगा हमारा सूबा भी खुशहाल होगा. उसका एक ही हल है कि कुरान को लेकर के उठे कुरान को पढ़े कुरान को अमल करें कुरान के वो निजाम वो आयात जो कुरान ने हमें दिए अल्लाह पाक ने खालिक व मालिक ने इस जमीन के लिए दिए उस पर अमल करें. मैं फिर आखिर में हजरत मौलाना मसीहुल बुखारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हजरत मौलाना अब्दुल नासिर साहब उसकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ. और आप तमाम शुरुआ से हम सबसे दुआ करते हैं आज कि अल्लाह पाक बलूचिस्तान को पाकिस्तान को अमन नसीब फरमा दे. वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन.